powered by BSE. Experience the new. Ujjivan Small Finance Bank Limited. Initial public offer of equity shares of face value of Rs 10 each through the bookbuilding process in the price band of Rs 36 to Rs 37 per equity share. Bid issue opens Monday, December 2nd, closes on Wednesday, December 4th, 2019. For risk factors and other details, please refer to the Red Herring Prospectus, available on the websites of SEBI, PSE, NSE and the BRLMs to the issue. Hamesha dikhegi aapko APL Apollo Steel Pipes ki andekhi taakat, jo mazbooti de rahi hai aapko desh ko. APL Apollo Steel Pipes, desh ki andekhi taakat. Has one meaning, and that is capital with joy. Pantomath, providing right capital for the right purpose. हम जब माहौल को ठंडा करते हैं, कमाल के लोग और भी कमाल का काम करते हैं. कमाल, कमाल, कमाल करते हैं. पेश है सिंफनी सेंट्रल एयर कूलिंग, जो बड़ी जगहों में दे कमाल का कूलिंग और कमाल की सेविंग्स. सिंफनी कमाल का कूलिंग. NSE Investor Services Cell आपकी स्टॉक मार्केट संबंधित जानकारी और शिकायतों का आसान और शीघ्र समाधान करता है. NSE, एक कदम सही, सौ गुना सुरक्षा. सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर. NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक, जो पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित. प्लास्टो है तो गारंटी है. इन्वेशिया, इंडिया का कमीशन फ्री फाइनेंशियल इकोसिस्टम. जीरो ब्रोकरेज इंट्राडे, जीरो ब्रोकरेज डिलीवरी, जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो AMC, जीरो क्लियरिंग चार्जेस, जीरो कॉल इन ट्रेड, जीरो मिनिमम बैलेंस, जीरो वॉल्यूम कमिटमेंट. यहाँ जीरो का मतलब जीरो है. इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. CNBC TV 18 एंड सर्वो फ्यूचुरा G+ प्रेजेंट अ रोड सेफ्टी इनिशिएटिव. वन थिंग अबाउट रोड सेफ्टी आई वुड से, इवन दो आई वर्कड इन a telecom company before, don't text and drive. Let's come together to make our roads safer. Issued in public interest by CNBC TV 18 and Servo Futura G+. Rohan, छोड़ो ना, अब तो तुम्हारा promotion भी हो गया है. बड़ा घर लेने का क्या प्लान है? जिंदगी के हर अपग्रेड के लिए चाहिए सिस्टमैटिक प्लानिंग. म्यूचुअल फंड्स में SIP द्वारा निवेश करें, क्योंकि गोल्स तो बस गोल्स रहेंगे अंटिल यू आस्क योरसेल्फ क्या प्लान है. HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा एक निवेशक शिक्षा पहल, भरोसा अपनों का. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. के प्रायोजक है साव्या ज्वेल्स, इंडिया लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड. GKTMT, हमारी ताकत देश की हिम्मत. और अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया. आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप, मैं हूं दीपाली राणा. और पहले बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद क्रूड में सुधार देखने को मिल रहा है. और ओपेक की उत्पादन कटौती को लेकर इराक के तेल मंत्री के बयान से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है. दरअसल इराक के तेल मंत्री ने कहा है कि ओपेक उत्पादन में 4 लाख बैरल की और कटौती पर विचार कर रहा है. अभी अगर आप क्रूड देखेंगे तो 4026 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट और नाइमेक्स में भी हल्की बढ़त देखी जा रही है. लेकिन अब इन स्तरों पर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, उस पर एक आउटलुक ले लेते हैं. हमारे साथ निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह बने हुए हैं. कुणाल, इनफैक्ट 4200 तक जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है अगर आने वाले कुछ सत्रों की बात करें, क्योंकि फिलहाल तो हमने एक रेंज में ही ट्रेड होते हुए देखा है. मौजूदा लेवल्स पे स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? हम बहुत टाइम से रिकमेंड कर रहे थे ऑयल में बाइंग के लिए, बट आई थिंक लास्ट वीक में 2-3 डेवलपमेंट ऐसे उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर 4 लाख बैरल का प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहा है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट टू द मार्केट, और उससे कोई मार्केट में तेजी हो नहीं सकती है. बिकॉज
पिछले दो सालों में ओपेक ने तकरीबन 2.5 मिलियन बैरल ऑयल का प्रोडक्शन कट किया है. सो 25 लाख बैरल का प्रोडक्शन कट किया है, उसके बावजूद भी ऑयल में लंबी तेजी नहीं हो पाई है. सो नया 4 लाख बैरल प्रोडक्शन कट करने से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. दूसरी ही बात है, यूएस का प्रोडक्शन नए हाई पे हाई मार रहा है और यूएस का ऑयल का एक्सपोर्ट फर्स्ट टाइम बढ़ना चालू हो गया है. सो नाउ दिस डेवलपमेंट से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ओपेक अगर ज्यादा प्रोडक्शन कट करता है तो उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे शिफ्ट होगा यूएस के ओर. सो यहाँ पे ओपेक बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कट भी नहीं कर सकता है और सामने यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है. सो ऐसे हाल में मुझे अभी लग रहा है फिलहाल हमने जो 4200 के लेवल्स टेस्ट किए पिछले हफ्ते वो शॉर्ट टर्म के लिए टॉप हो जाएंगे. अगर ओपेक आउट ऑफ द वे जाके 1.5 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन फिर से कट करे देन मार्केट कैन रियली शूट अप. बट आई थिंक फिलहाल ऑयल के प्राइसेस ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे. 4050 के आसपास आप बेच के काम कर सकते हैं 3970 से 3980 के टारगेट्स के लिए. ठीक है, तो जिस कटौती की बात हो रही है वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है इसीलिए शायद तेजी नहीं बनेगी. आपको अगर 4050 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहां पर बिकवाली की पोजीशंस बनाइए 3980 के टारगेट के लिए. 4095 का स्टॉप लॉस. एक बार नेचुरल गैस को और देख लेते हैं और उसके बाद आउटलुक ले लेंगे. हालांकि नेचुरल गैस के प्राइसेस हमने काफी वॉलेटाइल बिहेवियर के साथ ट्रेड होते हुए देखा है. आज का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नेचुरल गैस 2% ऊपर है, लगभग 170 के आसपास. नेचुरल गैस पर आउटलुक क्या है कुरान? नेचुरल गैस विंटर सीजन के कारण मुझे ऊपर ही लग रहा है. धीरे धीरे नेचुरल गैस के प्राइसेस फिर से 195-200 के लेवल्स आपको दिखा देंगे. इस पर लॉन्ग पोजीशन बिल्ट अप करना चाहिए और जो आगे आने वाले 15-20 दिनों की जो वेदर फोरकास्ट है दैट इज इंडिकेटिंग द अबव नॉर्मल कोल्ड वेदर. सो आई थिंक नेचुरल गैस प्राइस आर गोइंग टू मूव अप. ठीक है, नेचुरल गैस में जो पोजीशन की तरफ बना सकते हैं ये आउटलुक है. एक बार बेस मेटल्स को देख लेते हैं क्योंकि आज हमने देखा है कि बेस मेटल्स में ज्यादातर मजबूती ही देखने को मिली है. दरअसल चीन के जो अच्छे मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए हैं उससे कीमतों को सपोर्ट मिला है, लेकिन ट्रेड डील को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जिससे हो सकता है कि ऊपरी स्तरों पर एक रुकावट दिखे इन तमाम मेटल्स में. आप देखिए एल्यूमिनियम हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, कॉपर इनफैक्ट 0.5% मजबूत है और बाकी अगर आप मेटल्स देखेंगे तो फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं. मौजूदा स्थिति देखें तो स्ट्रेंथ थोड़ी कॉपर में दिख रही है. कॉपर में ये स्ट्रेंथ एक्सटेंड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कोई ट्रेड लेना चाहिए खरीदारी की तरफ कुणाल? जी हाँ, 434 में कॉपर लॉन्ग करके 438 के टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हैं. मुझे कॉपर का आउटलुक बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू अदर बेस मेटल्स. और फंडामेंटल्स की जहां तक बात करेंगे, जैसे आपने राइटली पॉइंट किया, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर जो लगातार पिछले 4 महीने से खराब आ रहे थे उसमें थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट आते हुए देखा है. सो जो शॉर्ट कवरिंग है ये हमको देखने मिल रही है कॉपर जैसे काउंटर में, और मुझे लग रहा है यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है अनटिल ये यूएस और चाइना की ट्रेड टॉक्स टोटली कोलैप्स हो जाए, जो वो भी नहीं लग रहा है फिलहाल. सो आई थिंक बायस अपसाइड का ही मेटल्स में रहना चाहिए और बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए सभी मेटल्स में. ठीक है, सभी मेटल्स में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखें. और एक स्ट्रैटेजी आपको बताएगी वो है कॉपर पर 437.50 पैसे के टारगेट के लिए खरीदिए 431 के स्टॉप लॉस के साथ. शुक्रिया कुणाल आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए. इसके साथ कमोडिटी राउंडअप में इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस हर्षता के साथ. नमस्कार. के प्रायोजक है साव्या ज्वेल्स, इंडियाज लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड. GK TMT, हमारी ताकत देश की हिम्मत. और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. रोहन छोड़ो ना, अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया है, बड़ा घर लेने का क्या प्लान है? जिंदगी के हर अपग्रेड के लिए चाहिए सिस्टमैटिक प्लानिंग. म्यूचुअल फंड्स में SIP द्वारा निवेश करें, क्योंकि गोल्स तो बस गोल्स रहेंगे अंटिल यू आस्क योरसेल्फ क्या प्लान है. HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा एक निवेशक शिक्षा पहल, भरोसा अपनों का. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. वास्तु CPVC पाइप्स ना गले ना जंग लगे, बेमिसाल मजबूती और